लोकसभा चुनाव से पहले एमपी में दल बदल का दौर जारी था और अब चुनाव के बीच भी नेता एक दूसरे खेमे में जाते हुए नजर आ रहे हैं। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति थमने का नाम नहीं ले रही, कुछ ऐसा ही आज भी देखने को मिला है। दरअसल शिवपुरी में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। दो बार विधायक रह चुके हरीश वल्लभ शुक्ला ने भोपाल में बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो एक बार समानता दल से भी विधायक चुने गए। शुक्ला ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने बीजेपी की सदस्यता ली। उनके साथ उनके बेटे आलोक शुक्ला ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। आलोक कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष थे। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की है वो पार्टी के किस पद पर पदस्थ थे या फिर उनकी क्या क्या भूमिका थी। हरी वल्लभ शुक्ला पूर्व विधायक रहे हैं। आलोक शुक्ला जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस रहे हैं। गौरव शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस सोशल मीडिया रहे। संदेश गर्ग कमलनाथ के करीबी रहे। कमल सिंह रघुवंशी प्रदेश महासचिव कांग्रेस रहे हैं। पूरी कांग्रेस और हेरिटेज की स्थिति में आ गई है, पर आप सब जानते हैं कि हेरिटेज इमारत में कोई ठहरा नहीं चाहता। अभी तक लाखों की संख्या में लोग कांग्रेस छोड़ के निकल चुके हैं। वह सिलसिला आज भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिन्हें राजनीति करना है उन्हें भाजपा में आना पड़ेगा, परंतु उन्होंने ये अधूरी बात बताई है, जिन्हें बिजनेस पॉलिटिक्स करना है उन्हें भाजपा में जाना पड़ेगा।